ये डाली मैंने मूवी क्लिप, ये एड की मैंने एक वायरल देसी MP3 सॉन्ग और ये बन गया हमारा YouTube वीडियो। और अब असली खेल होगा ऐसे हैशटैग्स का जिनको यूज करके आपकी वीडियो वायरल जाने वाली है। दोस्तों फिल्म की क्लिप्स YouTube पर अपलोड करने से रिलेटेड मेरे पास काफी सारे सवाल आ रहे थे और आज फाइनली मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आपके सामने आ चुका हूँ। दोस्तों अगर आप ऐसे चैनल्स पर जाएं और देखें तो यहां आपको काफी सारी मूवीज मिल जाएंगी, लेकिन इन मूवीज पर व्यूज तो आ जाएंगे लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक कभी भी आ सकती है और आपका चैनल रातों रात गायब भी हो सकता है। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ मूवी क्लिप्स अपलोड करने का जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग वायरल चल रहा है। यहाँ आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आने के चांस, मतलब 2-3% या 100% गारंटी तो कहीं पे नहीं होता, 2-3% चांसेस हमेशा रहते हैं। जहां भी आप कॉपी पेस्ट वीडियोस का यूज करते हो ये हमेशा रहेगा आपका, चाहे कोई भी कुछ भी कह ले। लेकिन आपको मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कॉपीराइट स्ट्राइक बहुत ही कम चांस है आने का, लेकिन कॉपीराइट क्लेम आएगा। लेकिन असली गेम जो है कॉपीराइट क्लेम आने के बाद ही शुरू होगा। आप ये सुनकर काफी सदमे में जा सकते हो, यार कॉपीराइट क्लेम मेरे वीडियो पे आ गया, फिर क्या फायदा ऐसी वीडियोस बनाने का। लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो आप समझ जाओगे कि एक्चुअल गेम कॉपीराइट क्लेम आने के बाद ही यहाँ पे आपका शुरू होगा। मैंने ऑलरेडी बॉलीवुड सॉन्ग्स को कैसे अपलोड करना है इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है, 270,000 लोगों से ज्यादा उस वीडियो को लोगों ने देखा हुआ, पसंद भी किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। इस वीडियो में ना मैं आपको फिल्म अपलोड करना सिखाऊंगा ना आपको सॉन्ग अपलोड करना सिखाऊंगा, मैं आपको हॉलीवुड मूवीज की क्लिप्स YouTube पे अपलोड करना सिखाऊंगा। साथ में वहां पे देसी म्यूजिक को लेना है, देसी गानों को लेना है, हॉलीवुड की क्लिप और देसी गानों को उठाना है। ये ट्रेंडिंग कैटेगरी है और यहाँ पे भर भर के व्यूज आते हैं। प्रूफ के साथ सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। दोस्तों अगर हम इस वाले चैनल की बात करें तो सिर्फ 4 महीनों में इनके चैनल पर 1 करोड़ व्यूज आ चुके हैं। और सिर्फ यही एक चैनल नहीं है जो इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है। अगर आप इस चैनल के किसी वीडियो पर जाओगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में कई सारे हैशटैग्स दिखेंगे। इनमें से एक हैशटैग पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां आप देखो, यहां आप देख सकते हो सैकड़ों वीडियोस सेम टॉपिक पे आपको मिल जाएंगे जिन पर अच्छे खासे व्यूज डेली आते हैं और ये सभी एक ही तरीके के थंबनेल और टॉपिक पे काम कर रहे हैं। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके ही चैनल टिप्स वाला पर। आज मैं आपको धमाकेदार कॉपी पेस्ट आइडिया सिखाने वाला हूँ फिल्म की क्लिप्स से रिलेटेड। लेकिन 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 आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपने मेन चैनल से ये काम मत करो। मेन चैनल से जो यूट्यूब चैनल अपने मेन वाला बनाया हुआ है, प्राइमरी चैनल जो आपका है, उससे आप जो कर रहे हो ऑलरेडी वो करते रहो। अगर कोई दूसरा ईमेल आईडी आपके पास है तो उससे आप एक और चैनल ओपन कर लो और वहां ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। यहां पे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी लेकिन क्लेम आएगी, लेकिन क्लेम के बाद ही असली गेम शुरू होगा। कैसे शुरू होगा, क्या होगा, अभी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैंने एक चैनल का प्रमोशन भी किया था फ्री में, और वहां पे जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया उस चैनल को थैंक यू उनको मैं बोलना चाहता हूँ, और जिनका वो चैनल था वो भी थैंक यू आपको बोलना चाहती है क्योंकि उन्हें काफी सारे सब्सक्राइबर्स मिल गए। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में मैं एक और चैनल प्रमोट करूंगा और उनको 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे, क्योंकि अगला चैनल हो सकता है कि आपका हो। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, प्रमोट करते हो, सपोर्ट करते हो तो आपका चैनल भी अगली वीडियो में प्रमोट हो सकता है। तो 100 सब्सक्राइबर्स का टारगेट रखते हैं इस वीडियो में। और मैं साथ ही यहाँ पे गिव अवे विनर भी अनाउंस करने वाला हूँ जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस इस वीडियो में मैं पूरा करने वाला हूँ। कुछ लोगों को मैं चुनूंगा, वहां उनको कैश मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा और एक चैनल फ्री में प्रमोट होगा, और हो सकता है आपका चैनल भी फ्री में प्रमोट हो सके। तो इसके लिए पूरी वीडियो आप देखते रहिए। तो चलिए हम अभी जानते हैं कि हम हॉलीवुड क्लिप्स को बॉलीवुड सॉन्ग्स या फिर देसी सॉन्ग्स के साथ मिक्स करके कैसे कॉपी पेस्ट वाली वीडियो बना सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो ये मेरी आईडी है, यहाँ पर आप फॉलो करके मुझे सीधा आप कुछ भी मन में हो सवाल पूछ सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है ये हम ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा भी पॉइंट अगर यहाँ पे मिस हो गया तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं ये पहले हम ध्यान से समझते हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक मूवी क्लिप यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक हॉलीवुड मूवी की एक्शन क्लिप यहाँ पे यूज की जा रही है और इसके बैकग्राउंड में एक सॉन्ग डाला जा रहा है। सॉन्ग यहाँ पे आप देख सकते हो, रब ना करे ये जिंदगी कभी किसी को दगा दे, ये एक बब्बू मान का पंजाबी सॉन्ग है, काफी पॉपुलर सॉन्ग है। तो ये इन्होंने यूज किया, किस तरीके से यूज किया ये भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इन्होंने काफी सारे ट्रेंडिंग हैशटैग्स लगाए। यहाँ पे एक्चुअल जो खेल है ये आपका टैग्स का नहीं है, यहाँ पे हैशटैग्स का खेल है।
तो यहाँ पे जितने भी पॉपुलर हैशटैग्स है ये आप देख सकते हो। आपको यहाँ पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, आप इन हैशटैग्स को यूज करके अपना वीडियो भी वायरल कर सकते हो। यहाँ से अगर मैं कोई एक हैशटैग लेता हूँ, यहाँ से जैसे इनविजिबल मैन स्टोरी, ये वाला हैशटैग यहाँ पे आप लेते हैं, तो यहाँ पे आपको सेम टाइप के काफी सारे चैनल्स और वीडियोस मिल जाएंगे। ये सब के सब क्या कर रहे हैं, हॉलीवुड की एक्शन क्लिप्स को यहाँ पे यूज कर रहे हैं और बैकग्राउंड में सब के सब देसी म्यूजिक यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस गाने को, रब ना करे ये जिंदगी कभी किसी को दगा दे, ये सॉन्ग यूज करके इन्होंने कितने सारे वीडियोस बनाए और सबके सब अलग चैनल से, सबके सब अलग चैनल से भाई साहब। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे समझाता हूँ कैसे क्या करना है। आपको जाके YouTube पे लिखना है हॉलीवुड एक्शन क्लिप्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिल्टर वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे कि मैं फिल्टर वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको फिल्टर वाला ऑप्शन दिखता होगा, तो यहाँ पे जब आप जाओगे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो यहाँ पे फीचर्स के अंदर आपको क्रिएटिव कॉमन्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आप लैपटॉप से करो, फोन से करो, जिस भी डिवाइस से करो, आपको ये ऑप्शन हर जगह मिल जाएगी। तो यहां से आपको क्रिएटिव कॉमन्स चूज कर लेना, ठीक है। इसको चूज करने के बाद आपको यहां पे देख लेना है कौन सा वीडियो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी अगर पुरानी मूवी हो और बढ़िया एक्शन सीन हो तो मजा ही आ जाएगा इसका, यहाँ पे व्यूज आने आपके 110% गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने पसंदीदा एक वीडियो क्लिप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्रिएटिव कॉमन्स के अंडर ये सारे क्लिप्स आते हैं। तो यहाँ से मैं एक क्लिप डाउनलोड कर लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे ये जो सॉन्ग है ये जो यूज किया यहाँ पे, रब ना करे ये जिंदगी कभी किसी को दगा ना दे, ये मैं गूगल पे सर्च करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा MP3। ये लिखने के बाद यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स मेरे आ जाएंगे, तो यहाँ से आपको ये सॉन्ग डाउनलोड कर लेना है अपने PC या मोबाइल पर, ठीक है। तो अभी मैंने आपका समय बचाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे ये जो गाना है और ये YouTube का जो क्रिएटिव कॉमन्स वाला क्लिप है ये दोनों यहाँ पे डाउनलोड करके रखे। मैं आपको क्लिप प्ले करके भी दिखा देता हूँ कैसा है। तो ये कुछ इस तरीके का एक्शन क्लिप है यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ी देर बाद एक्शन शुरू होने वाला है और हम उसी पार्ट को यूज करेंगे जहाँ पे एक्शन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, हमने ये वीडियो क्लिप डाउनलोड कर ली, ये ऑडियो MP3 भी हमने डाउनलोड कर लिया। अब हमें एक वीडियो एडिटर चाहिए, आप मोबाइल से काइनमास्टर का यूज कर सकते हो, वीटा का यूज कर सकते हो, और भी काफी सारे VN एडिटर है, सबके सब फ्री है, ठीक है। आप किसी भी फ्री एडिटर का यूज कर सकते हो। मैं इस वक्त एक VSDC वीडियो एडिटर का यूज कर रहा हूँ अपने लैपटॉप पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, आप यहाँ पे लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये जो क्लिप मैंने अभी अभी यूट्यूब से डाउनलोड किया उसको ओपन कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारे सेटिंग्स को यहाँ पे यस कर देता हूँ, ये मैंने क्लिप यहाँ पे सिस्टम में अपने ले लिया। तो चलो ये मेरी वीडियो है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, ओरिजिनल साउंड जो है वीडियो का उसको आपको म्यूट कर देना, पूरी वीडियो में ओरिजिनल साउंड नहीं रहना चाहिए, यही एक ट्रिक है जो सबको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं वॉल्यूम पे जाऊंगा आपका ऑडियो इफेक्ट्स में, यहाँ पे जाके मैं एम्पलीट्यूड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे साइलेंस पे क्लिक करूंगा। आपके वीडियो एडिटर में शायद अलग टाइप की सेटिंग्स होगी, वहाँ वॉल्यूम का ऑप्शन दिखेगा, उस वॉल्यूम को आपको जीरो कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सारा का सारा ऑडियो जो है वीडियो में जो ऑडियो सुनाई दे रहा है उसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ऑडियो ऑफ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि एक्शन सीन कहाँ पे शुरू हो रहा है, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा पार्ट नहीं रखना है क्योंकि फिर कोई नहीं देखेगा, आपको एक्शन सीन देखना है कहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है इस जगह पे एक्शन सीन शुरू हो रहा है, तो मैं यहाँ से आपका जो है कट कर लूँगा वीडियो को और इसके पहले जो है जो पहले का पार्ट है वो यहाँ पे हटा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को यहाँ से कट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया दोस्तों, अब यहाँ पे मुझे पहले का जो पार्ट है ये हटा देना है। तो ये मैंने ये पार्ट यहाँ से डिलीट कर लिया, तो इस वीडियो को अब मैं यहाँ से यहाँ पे खींच के ले आता हूँ, ठीक है। तो हमारी वीडियो जो दोस्तों वो यहाँ से अब स्टार्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें जो म्यूजिक हमने डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे ड्रैग करके ले आना है अपने वीडियो एडिटर पे। तो इस वीडियो के जस्ट नीचे हम म्यूजिक को प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे साउंड आपको सुनाई देगा, मैं थोड़ा सा ही सुनाई आपको सुनाता हूँ क्योंकि मेरे वीडियो पे फिर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जहां तक भी लगता है कि एक्शन क्लिप चल रहा है वहां तक आप इसको रखिए,
वीडियो क्लिप को और साउंड भी उसी के हिसाब से उतनी ही लेंथ की रखिए, ठीक है। जहां तक आपकी वीडियो क्लिप है वहीं तक आपकी साउंड भी आप रखिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो क्लिप को छोटा कर लिया, एक्शन सीन जहां तक था वहीं तक मैंने रखा है और साउंड को भी मैंने वहीं तक रखा है जहां तक आपका वीडियो क्लिप की लेंथ जहां तक थी, ठीक है। तो ये मेरा साउंड जो है और वीडियो क्लिप का जो लेंथ है वो एक बराबर अभी हो चुका है, ठीक है। तो ये मेरा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये दोनों लेंथ इक्वल हो चुके हैं। अब कुछ ऐसा वीडियो मेरा दिखेगा, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लूंगा अपने सिस्टम पे। ये मेरा वीडियो जो है अभी रेडी हो चुका है। अब इसके आगे कैसे होगा, क्या होगा, मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये मैं फाइल डेस्टिनेशन सिलेक्ट करके अपने मोबाइल या लैपटॉप पे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो जो है अभी एक्सपोर्ट हो रही है, अभी थोड़ी देर में एक्सपोर्ट हो जाएगी, मैं आपको दिखाऊंगा कैसी ये वीडियो तैयार होकर आई। तो दोस्तों अभी जो है हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसी वीडियो बनी है। तो दोस्तों कुछ इस टाइप की वीडियो हमारी रेडी है बनके। अब इस वीडियो को हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, तो मैं अपने एक एक्सपेरिमेंट वाले चैनल पे अपलोड करने जा रहा हूँ इस वीडियो को। अब दोस्तों अगर टाइटल की बात करें तो मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को। यहाँ पे एक वीडियो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी इन्होंने जो सॉन्ग है वो यूज किया है, रब ना करे ये जिंदगी कभी किसी को ना दगा दे। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, यहाँ पे ना ये लोग मूवी के नाम से टाइटल डाल रहे हैं, ना ये लोग कोई एक्शन मूवी ये सब कुछ डाले, ये क्या कर रहे हैं, सॉन्ग के नाम को प्रमोट कर रहे हैं, मूवी को प्रमोट नहीं कर रहे, ये सॉन्ग के नाम को। और ये जो आपके टैग्स हैं जैसे कि हार्ट ब्रोकन लव स्टोरी न्यू हिंदी सैड सॉन्ग 2021, आप अगर ये दोनों वीडियो को देखें कि ये दोनों वीडियोस अलग अलग चैनल से पब्लिश किए गए और व्यूज़ आप देखो, लाखों में व्यूज़ आप देख पाओगे, ये दोनों अलग अलग वीडियोज़ हैं और दोनों अलग अलग चैनल से प्रमोट किए गए, ठीक है। अब लेकिन इसमें कॉमन आप देखो क्या है, ये गाने का जो नाम है ये नाम यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हार्ट ब्रोकन लव स्टोरी न्यू हिंदी सैड सॉन्ग 2021 और यहाँ पे आपका है सैड स्टोरी हिंदी न्यू हिंदी सैड सॉन्ग 2022, यानी कि आपको ऐसा ही मिलता जुलता टाइटल रखना है, आपको ज़्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है। अगर मैं इनके हैशटैग में जाऊँ तो ये देखिए आपको हैशटैग ये सारे यूज करने जो ये लोग कर रहे हैं, आपको ज्यादा इधर उधर से हैशटैग नहीं लेने, ठीक है। और यहाँ पे ओरिजिनल क्रेडिट दे देना, जो भी सॉन्ग आप यूज कर रहे हो उसका ओरिजिनल क्रेडिट यहाँ पे आपको दे देना, वीडियो की क्रेडिट देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपने क्रिएटिव कॉमन से उठाया वीडियो, ठीक है। अगर इस हैशटैग पे आप जाते हो तो यहाँ पे जितने वीडियोज है आप देख पाओगे, यहाँ पे ज्यादातर वीडियोस में जो आपके टाइटल है वो ऑलमोस्ट सेम है, ये ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहे, तो आपको इसी टाइप का टाइटल एक दे देना है। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला सॉन्ग का पहले नाम चूज कर लेता हूँ, इसके बाद ये चूज करने के बाद मैं अपने वीडियो के टाइटल में जाके इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया इस नाम को, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कॉपी हो चुका है ये टाइटल। अब यहाँ पे इसके आगे मैं लिख दूंगा, मान लीजिए न्यू हिंदी हार्ट ब्रोकन सॉन्ग 2022। तो दोस्तों ऐसा कुछ मेरा टाइटल यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे इन्होंने ये लिखा हुआ लिरिक्स वगैरह लिखा हुआ क्रेडिट दिया है, तो ये सब मैं कॉपी यहाँ से कर लूंगा और हैशटैग्स भी मैं यहाँ से बिल्कुल कॉपी कर लूंगा, ठीक है। और थोड़ा सा आप इधर उधर चेंज कर सकते हो, ये देखो लिरिक्स भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। इन्होंने क्यों दिया हुआ, इसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई बंदा गाने के लिरिक्स से मतलब गाने का कोई भी लाइन सर्च करता हो तो उसको यही वीडियो आकर मिलेगी, ठीक है। अगर कोई बंदा ये सारे हैशटैग सर्च करता है तो भी उसको ये वीडियो आके मिलेगी। तो आपको ये सारी पॉइंट्स जो है वो दिमाग में रखने जब भी वीडियो ऐसी आप बनाओ। और अगर हम थंबनेल की बात करें तो या तो आप यहाँ से कोई इंटरेस्टिंग सा थंबनेल चूज कर सकते हो जो आपको YouTube सजेस्ट कर रहा है, या फिर अपने वीडियो से आप कोई सबसे इंटरेस्टिंग जो आपको लग रहा है बिल्कुल एक्शन वाला थंबनेल उसका स्क्रीनशॉट आप ले लो और उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे आके थंबनेल जो आपको शो करता है उस जगह पे आपको आके यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपका थंबनेल का ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ से कोई सा थंबनेल ले सकते हो। मुझे सबसे बेस्ट थंबनेल जो लगता है वो यही लग रहा है, ठीक है। ये वाला थंबनेल मैं चूज कर लेता हूँ। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो आप यहाँ पे अपलोड थंबनेल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करके अपना कस्टमाइज थंबनेल यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये जो वीडियो कैटेगरी होगी ये आपकी एंटरटेनमेंट में आएगी, ठीक है। एंटरटेनमेंट कैटेगरी में ये वीडियोस आते हैं, तो आप यहाँ पे नो फॉर किड्स सेलेक्ट कर लेना और एंटरटेनमेंट कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना और बाकी टैग्स जो है आप गाने के नाम से टैग्स वगैरह यूज कर लेना। तो कुछ इस तरीके से आप अपलोड कर पाओगे।
अब यहाँ पे जब आपके सब्सक्राइबर्स बहुत सारे आ जाएंगे, आपके ये कोई भी वीडियो जो आप अपलोड करोगे, यहाँ पे व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर्स आएंगे, लेकिन आपका मोनेटाइजेशन यहाँ से नहीं होगा। जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने जाओगे, उससे पहले आपको ये सारे वीडियोज जो है वो प्राइवेट कर लेने पड़ेंगे, और इसकी जगह पे आपको इससे मिलता जुलता ही मूवी कंटेंट डालना पड़ेगा। जैसे कि बॉलीवुड न्यूज हो गया, मैंने आपको एक मूवी स्टोरी एक्सप्लेन वाली वीडियो बनाई थी, ये वाली वीडियो बनाई थी, ये आप डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मिल जाएगा। इस टाइप की वीडियो आप बना सकते हो, जहां पे आप मूवी की स्टोरी अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके लोगों को एक वीडियो के फॉर्म में दिखा सकते हो। तो इस टाइप की वीडियो भी लोग काफी ज्यादा देखते हैं। तो जब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, तो वही सब्सक्राइबर्स आपके मूवी से रिलेटेड वीडियोस देंगे। लेकिन यह बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि मूवी से हट के कोई भी टॉपिक कवर नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप मूवी से रिलेटेड कंटेंट देख रहे हो, तो आपके सब्सक्राइबर्स भी वही आएंगे जो मूवी से रिलेटेड कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हो। तो इस तरीके से आप अपने वीडियोस को वायरल कर सकते हो, और दूसरे ओरिजिनल टाइप के वीडियोस डाल के आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन 1% भी आपको अगर हो, तो कमेंट बॉक्स में आके पूछो मेरे से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अब समय आ चुका है फ्री चैनल प्रमोशन का। मैंने पिछली वीडियो में जैसे कहा था कि कमेंट्स कीजिए आप लोग, एक बंदे का चैनल मैंने बताया था, एक्चुअली एक मैडम थी, उनका चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उन्होंने डन कमेंट किया था, तो वहीं से 50 कमेंट्स से जो शुरू के 50 कमेंट्स थे वहां से मैंने कुछ विनर्स चूज किए आज। तो पहले जो विनर है जिनका चैनल आज प्रमोट होने जा रहा है, उनका नाम है विशेष के वीडियोस, ये वाला चैनल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, और चैनल के स्क्रीन पर ये है। इनके चैनल पर 1.3 के सब्सक्राइबर्स हैं। इन्होंने टोटल शायद अभी तक 4 वीडियोस अपलोड की हुई है, और मैंने इनके वीडियोस देखे, काफी अच्छे वीडियोस हैं। तो दोस्तों, 1.3 के सब्सक्राइबर्स है, यानी कि 1300 सब्सक्राइबर्स है, तो अगर इनके वीडियो पे 1400 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, तो अगला वीडियो जो होगा, अगला चैनल जो प्रमोशन का होगा, वहां मैं कोशिश करूंगा 200-250-300 सब्सक्राइबर्स उनके बढ़ जाए। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रमोट किया था, उस मैडम के काफी सारे 100 सब्सक्राइबर्स के करीब उनके बढ़ गए थे। तो आज उम्मीद करते हैं इस भाई के चैनल को आप सपोर्ट करो, क्योंकि आपका चैनल अगला चैनल हो सकता है जिसे मैं अपने वीडियो में फ्री प्रमोशन दूं। तो एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तो आपको भी सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल झूठ नहीं लिखना है। कई पिछली वीडियो में कई लोगों ने डन लिखा था लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया था, तो मुझे पता चल गया था, ठीक है। तो ऐसा मत करो यार, आप सपोर्ट करोगे तो आपको भी सपोर्ट मिलेगा। तो इस वाले चैनल को आप जरूर सपोर्ट करो, इनके 1400 सब्सक्राइबर्स आज के आज ही पूरे करवा दो, और कमेंट्स में डन लिखो, अपनी उस YouTube अकाउंट से डन लिखना जिसको आप प्रमोट करवाना चाहते हो। तो आप जब डन लिखोगे कमेंट्स में, मेरे कमेंट्स में डन लिखना, मेरी वीडियो के कमेंट्स में, और इनका चैनल सब्सक्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अभी जाके सब्सक्राइब करो और डन लिखो। तो पहले जो 50 कमेंट्स है उनमें से मैं एक विनर चूज करूंगा, अगली वीडियो में मैं उनके चैनल को फ्री प्रमोशन दूंगा, फ्री शाउट आउट दूंगा। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करो और लिखना शुरू करो डन। तो दोस्तों, अब बारी है विनर 2 और विनर 3 अनाउंस करने का, जिन्हें कैश प्राइस ₹500 का मिलने वाला है, और इस कैश प्राइस की अमाउंट जो है वो धीरे धीरे वीडियोस के साथ बढ़ने लगेंगी, और हो सकता है मैं आपको माइक या और सारे गिफ्ट्स भी धीरे धीरे देना शुरू करूं एज अ गिव अवे, ठीक है। मेरा चैनल जैसे जैसे ग्रो होगा, मेरे पास स्पॉन्सरशिप आएंगी, तो मैं उन पैसों का यूज करके आपको गिफ्ट्स दूंगा, आपके चैनल के मोनेटाइजेशन में, या फिर आपके वीडियोस को अच्छा बनाने में, या आपकी इकोनॉमिक पैसों की हेल्प करने में मैं आपकी मदद करूंगा। तो हमारे दूसरे जो विनर है उनके चैनल का नाम है फनी चैनल ARS, ये वाला चैनल है, इनको मिलता है ₹500 का गिफ्ट आइटम, ठीक है। कैश प्राइस भी मिल सकता है, वो हम इंस्टाग्राम पे बात कर लेंगे। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप इंस्टाग्राम पे आके मुझसे कनेक्ट करो, ये मेरी आईडी है, ठीक है। यहां पे कनेक्ट करो तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कैश प्राइस या गिफ्ट जो है कैसे मिलने वाला है, ठीक है। और हमारा जो अगला चैनल है जिनको मैंने चुना है विनर 3, वो उनको भी कैश प्राइज मिलेगा ₹500 का, उसके चैनल का नाम है फैक्टिव नाउ, ठीक है। फैक्टिव नाउ चैनल के ओनर जो भी है वो मुझसे इंस्टाग्राम पे आके बात करे, मुझे मैसेज करे, और जो भी विनर्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं वो अपने चैनल का स्टूडियो का यूट्यूब स्टूडियो का स्क्रीनशॉट जरूर भेजे, ताकि मुझे पता लगे कि ये एक्चुअली में आपका ही चैनल है। क्योंकि कई बार होता है कि दूसरे चैनल वाले भी आ जाते हैं कि भाई मेरा चैनल था, तो मैं ये नहीं चाहता कि जो सटीक जो बिल्कुल सही ओनर है वही क्लेम करे अपना कैश प्राइस जो भी है, ठीक है। तो ये आज का विनर सेशन मेरा यहाँ पे खत्म होता है। अब मैं कुछ सवाल उठाता हूँ जो कि पिछले कम्युनिटी पोस्ट में मैंने किया हुआ था, कि आपके कुछ सवालों का मैं जवाब दूंगा। तो कुछ सवाल मैंने चुने हुए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको यहीं के यहीं जवाब दे देता हूँ। तो दोस्तों, पहला जो सवाल है इन्होंने किया, इनके चैनल का नाम है प्लास्टिक।
तो ये पूछ रहे कि भाई आपका इस मंथ का यूट्यूब पेमेंट पर वीडियो बनाओ। तो यूट्यूब पेमेंट पर वीडियो यार बहुत सारे लोग बनाते हैं, मुझे मजा नहीं आता बनाने में, ठीक है। क्या मैं यही आपको बता देता हूँ ना, जब एक बात में ही मतलब एक लाइन में ही टॉपिक खत्म हो जाएगी, फिर क्या फायदा मैं वीडियो बनाऊँ इतना लंबा, आप देखो फिर। तो इस मंथ का पेमेंट आप जो बोल रहे हो तो 1 लाख के करीब करीब है। मेरे इस चैनल पे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे टोटल 4 चैनल्स हैं, शायद आपको पता होगा, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता है। तो पिछले महीने मेरे काफ़ी ज़्यादा आए थे क्योंकि स्पॉन्सरशिप ही काफ़ी ज़्यादा था और 10,000 की एक एक स्पॉन्सरशिप थे, तो ऐसे 4-5 स्पॉन्सरशिप उठाने के बाद मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गया था, ठीक है। तो इस महीने कम हुआ क्योंकि मैं खुद स्पॉन्सरशिप नहीं उठा रहा हूँ इस महीने। तो अगला सवाल हम देखते हैं। तो अगला सवाल जो है ये क्रूड गेमिंग भाई साहब ने किया हुआ है, सब्सक्राइबर कितने हो गए आपके, ठीक है। तो सब्सक्राइबर तो आपको दिख रहा होगा अभी ना, अभी तो शायद YouTube ने हटा दिया मेरे ख्याल से जो हम सब्सक्राइबर हाइड करते थे। तो अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता दूं कि अभी शायद 25,000 से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। लोग देखते हैं वीडियोस बहुत मेरी लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, चले जाते हैं यार। ये वही होता है कि ट्रेन में लोग चले जाते हैं ना बिना टिकट के, तो वही वाला होता है, देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार करो यार, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मन करता है कि वीडियोस अच्छी अच्छी लाओ आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन हम उठाते हैं, ये विजेंद्र सिंह है, ये पूछ रहे हैं कि हम बिना फेस और वॉइस के चैनल बनाना चाहते हैं, प्लीज़ कोई अच्छी निश बता दीजिए। तो मैंने कई सारे टॉपिक ऑलरेडी अपने चैनल पर कवर करके रखे, आप चाहे तो देख सकते हैं। मुझसे अगर पूछो तो मैं फिनेंस चुनूंगा, गैजेट वाला चैनल चुनूंगा, फैक्ट्स का चैनल चुनूंगा, और लेकिन वॉइस ओवर की जरूरत पड़ेगी भाई साहब आपको। बिना वॉइस ओवर का आप करना चाहते हो ना तो मूवी न्यूज वाले टॉपिक पे आप काम करो। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अपने चैनल पे मूवी न्यूज कैसे बनाना है, मूवी के आर्टिकल से आप न्यूज वाली वीडियो कैसे बना सकते हो। आप चाहो तो वहां पे वॉइस मत डालो, आप म्यूजिक डाल के काम कर सकते हो। आप कार्टून वीडियो बना सकते हो, वहां पे भी आपकी वॉइस की जरूरत नहीं पड़ेगी, फनी म्यूजिक डाल दो और थोड़ा टेक्स्ट वगैरह डाल दो तो वो आपका बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विकास भाई साहब है, इन्होंने पूछा कि यूडेमी के कोर्स फ्री में कैसे देखे। तो यूडेमी के वेबसाइट पर अगर आप जाते हो, यूडेमी एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज भी मिलते हैं, पेड कोर्सेज भी मिलते हैं और सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, बहुत सस्ते कोर्सेज रहते हैं। आप अगर कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो, वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। तो फ्री वाला फिल्टर जो है वो चूज करके आपको मिल जाएगा। और एक और तरीका है कि यूडेमी के अलावा भी एक वेबसाइट है, वो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि मेरी यूट्यूब जो है मेरी वीडियो को शायद बैन कर देगा इस वजह से। मैं आपको इंस्टाग्राम पर बता सकता हूँ कि यूडेमी के कोर्स फ्री में आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, जो कि पेड कोर्स है वो भी, ठीक है। तो वो आप एक बार इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन उठाते हैं कि आई वांट अर्न फ्रॉम यूट्यूब विदाउट मोनेटाइजेशन, कैन यू हेल्प मी। ये पूछा है फूड हंग्री सिस, इनके चैनल का नाम है फूड हंग्री सीज। इन्होंने पूछा कि मोनेटाइजेशन के बिना कैसे कर सकते। तो देखो भाई, मोनेटाइजेशन के बिना अगर तुम्हें काम करना है तो तुम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। मतलब कई सारे वेबसाइट्स हैं एफिलिएट वेबसाइट्स, मैं इनके बारे में वीडियोस भी जल्दी बनाऊंगा। अमेजोन का वेबसाइट हो गया, उसके बाद कई सारे आपके बाहर के वेबसाइट है, इंडिया के बाहर के, अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में मीशो हो गया, आपका डीलशेयर हो गया, आपका अर्न करो हो गया, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप रेफर एंड अर्न या फिर अफिलिएट कमीशन कमा सकते हो। मतलब आप प्रोडक्ट का लिंक अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दोगे तो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे और खरीदेंगे तो कमीशन आपको मिलता रहेगा। तो ये एक तरीका है, और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, तो एक वीडियो में मैं इतना कुछ नहीं बता सकता। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ो, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसे ही वीडियो मैं फ्यूचर में जब भी बनाऊँ आपको सीधा आपके चैनल पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। दोबारा बहुत ही जल्द मिलेंगे ऐसी धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो आज के लिए टाटा।